गुड मॉर्निंग एवरीवन, रेडी फॉर अ स्टोरी? जैसे हम अपने बचपन में मराठी हिंदी के बुक्स में सुना करते थे, उस स्टाइल की स्टोरी सुना दी। तो राम और श्याम नाम के दो दोस्त हुआ करते थे। राम के पास वो सब कुछ था जो एक नॉर्मल जिंदगी जीने के लिए चाहिए होता है, और पीछे मेरी मम्मी बर्तन धो रही है, जो इसे आप इग्नोर कर सकते हैं उसकी आवाज़ को, ठीक है, बर्तनों की आवाज़ को। और श्याम जो था वो राम के पास मौजूद हर एक चीज़ को देखकर तरसता था कि काश मेरी भी ज़िंदगी राम जितनी सुखी होती, काश मेरे पास भी दो पैर होते ताकि मैं अपने पैरों पे चलकर ही अपने काम खुद कर पाता, मुझे किसी और पे डिपेंड ना होना पड़ता। काश मेरे पास सोने के लिए एक अच्छा डिसेंट सा, एकदम सॉफ्ट भी नहीं मांगता मैं, पर डिसेंट सा बेड होता। काश मैं वो सब खा पाता जो मैं चाहता हूँ, और वो सब नहीं जो घर में है और जिसके एडजस्ट करके पानी मिला के जुगाड़ करके खाना पड़े। बस एक बार मैं वो दुनिया की हर एक चीज़ को चखना चाहता हूँ, ये सब कुछ श्याम के सपने थे। और राम के पास तीन टाइम अच्छा सा खाना, शाम को नाश्ता, सॉफ्ट सुपर सॉफ्ट किंग साइज बेड, इलेक्ट्रिसिटी, हर एक चीज़ थी, कार, सब कुछ। लेकिन राम बहुत उदास था। उसकी प्रॉब्लम ये थी कि उसको वो कार नहीं पसंद जो उसके डैड उसके लिए लाए हैं, उसे उससे भी बड़ी कार चाहिए, बिकॉज उसका जो फ्रेंड सर्कल है उसमें उसे बड़ी कार दिखानी है, शो ऑफ करनी है कि मैं भी एक अमीर फैमिली से बिलोंग करता हूँ। तो मित्रों, आप समझ ही गए होंगे कि मुझे क्या बताना है। किसी भी चीज़ की चाह तब तक ही होती है जब तक वो हमें मिल नहीं जाती, और एक बार कोई चीज़ मिल गई ना फिर ख़त्म हो जाता है सब, फिर हम दूसरी चीज़ के पीछे भागने लगते हैं कि वो चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। सो ये जो साइकिल है ना चाहत का, वांट का, ये कभी ख़त्म नहीं होगा। ये इंसानी फितरत है दैट जब तक आपको कोई चीज़ नहीं मिलती तब तक आपको लगता है कि काश मुझे ये चीज़ मिल जाए, मुझसे खुश दुनिया में और कोई नहीं होगा, ब्ला ब्ला ब्ला। एंड वंस यू गेट दैट थिंग, बस ख़त्म, टाटा बाय बाय, सारा एक्साइटमेंट जोश ख़त्म। कुछ दिन होता है, बाद में नॉर्मल लगने लगता है सब, हाँ है ठीक है, मेरे को मिल गई ये चीज़, तो अभी क्या, फिर आगे, तो फिर किसी नई चीज़ के पीछे भागो। सो वॉन्ट एंड एक्साइटमेंट एंड ऑल दिस, ये साइकिल चलता रहेगा, लेकिन जो भी आपके पास ऑलरेडी है उसके लिए ग्रेटफुल होना बहुत ज़रूरी है। डोंट बी लाइक राम, जैसे राम के पास ऑलरेडी कितना कुछ है जिसके लिए शाम तरस रहा है, जिसके लिए शाम कुछ भी कर सकता है वैसी ज़िंदगी जीने के लिए, बट राम के लिए इट्स चिंदी, मतलब कोई वैल्यू नहीं है, इट्स सो कॉमन, और उसे अप्रिसिएशन ही नहीं है उसकी लाइफ का, उल्टा वो रोना रो रहा है एक नई कार का, समझ रहे हो? तो आप, मैं, हम सब इस वक्त जो भी लोग सुन रहे हैं, हम इतनी ब्लेस्ड लाइफ जी रहे हैं, कसम से मानिए, इतनी ब्लेस्ड लाइफ जी रहे हैं कि हम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। हाँ, मैं रो रही हूँ क्योंकि मुझे कुछ अचानक से याद आ गया। आज सुबह मैं भूखे लोगों को खाना देने के लिए गई थी, ठीक है, और थोड़ा सा स्टोरी टाइम करती हूँ, थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा। हमारे यहाँ एक हनुमान का मंदिर है, तो वहाँ पे लोग बैठे होते हैं, पर वहाँ पे आज कोई नहीं था, तो मैं पूरा स्टेशन तक जाकर आई कि देखते हैं कोई मिलता है या नहीं, कोई भी नहीं मिल रहा था मुझे। फिर एक रास्ते में, मराठी में कहते हैं जोगवा मांगनारी, तो मतलब देवी का फ़ोटो लगाकर ऐसे गले में माला वाला पहनकर एक लेडी थी, तो मैंने उनसे पूछा कि आप लोगे क्या, घर का बनाया हुआ खाना है गरम, तो उन्होंने कहा हाँ, तो मैंने दे दिया, ठीक है। फिर और आगे और एक इंसान मिल गया ऐसे, तो मतलब मैं लिटरली ढूंढते ढूंढते गई हूँ उनको खाना देने के लिए, मिले नहीं मुझे एक जगह पर कहीं पर। और फिर पता है, मैं जाने नहीं वाली थी बट मैं गई वहाँ तक, स्टेशन तक पूरा, और वहाँ पे एक बहुत ही ख़राब कंडीशन में एक अंकल बैठे हुए थे, और मैंने पूछा उनको कि आपको खाना खाना है क्या, तो उन्होंने बोला हाँ प्लीज़ मुझे खाना खाना है, मैंने कल रात से कुछ नहीं खाया। तो मम्मी ने दाल और राइस और सब्जी ये एक पार्सल में पैक करके दिया था, मैंने एक दिया उनको और एक मेरे थैली में अभी भी बचा हुआ था, पाँच थे मेरे पास, तो मैंने बोला आपको और चाहिए क्या, तो उन्होंने मतलब मैं वो तड़प और तरस उनके वॉइस में देख सकती थी आँखों में कि हाँ मुझे और एक चाहिए क्योंकि मैंने रात से कुछ नहीं खाया। सो मुझे वापस आते आते बेहस लग रहा था कि यार हम, मतलब हम नॉर्मली कितना इजी है हमारे लिए खाना खाना एंड ऑल, एंड उन लोगों के लिए इट्स सो डिफिकल्ट, मतलब
अपने मन का एक टाइम भी अच्छा खाना मिल पाना इज़ सो डिफ़िकल्ट फॉर देम कि उनको मांगना पड़ रहा है, तरसना पड़ रहा है इसके लिए. सो आई एम सॉरी. मुझे ऐसा रियलाइज़ हुआ कि यार मैं कितनी लकी हूँ. और यही बात मैं इस द सीक्रेट डेली टीचिंग्स के मैसेज के द्वारा आप सब तक पहुँचाना चाहती हूँ कि आप बहुत 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 ब्लेस्ड लाइफ जी रहे हो आप सब. सो प्लीज़ किसी भी चीज़ को जो कमी है आपके लाइफ में, अभी जो विश पूरी नहीं हुई है, कंटिन्यूसली कंप्लेनिंग मोड पर मत रहिए उसके लिए. आई नो हम सब कुछ ना कुछ मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, बट मैनिफेस्ट करते करते ये नहीं भूलना चाहिए कि ऑलरेडी जो कुछ भी है ना हमारे पास बहुत है, वो हमारी कल्पना से भी ज़्यादा मिला है हमें. तो इसीलिए आप अपने आसपास के ऐसे लोगों की ज़िंदगी देखिए कि वो कैसे जी रहे हैं, तब आपको रियलाइज़ होगा कि आप कितने ज़्यादा लकी है, कितने ज़्यादा ब्लेस्ड है. और पॉइंट ये है पूरे मैसेज का कि ये सारे ब्लेसिंग्स की कदर हर इंसान को होनी चाहिए. दैट्स इट. आप अभी जिस फ़ोन पे सुन रहे हैं, जिस हेडफोन से सुन रहे हैं, आप अभी इस मैसेज के बाद आप उठकर अपने पैरों पर चलेंगे, आप फैन लगाएंगे, लाइट लगाएंगे, ये हर एक चीज़ एक ब्लेसिंग है. हर एक चीज़ एक ब्लेसिंग है. एंड बिहेव लाइक यू आर अ ब्लेस्ड पर्सन. ऐसे मत बिहेव करिए कि आप एक अनलकी, हार्ट ब्रोकन, सैड, जिसे धोखा मिला है ऐसे इंसान. नो, यू आर अ ब्लेस्ड सोल. और वैसा ही फील करिए अपने बारे में. ओके, प्लीज़ प्रॉमिस योरसेल्फ कि आप वैसा ही फील करेंगे. मैं एक चीज़ बताना भूल गई थी इसलिए एक्स्ट्रा नोट ऐड कर रही हूँ यहाँ पे. मुझे ऐसा लगा तब जैसे कि उन अंकल तक पहुँचने के लिए ही मुझे इतना अपने घर से निकल के वहाँ तक जाना पड़ा. मैं दो मंदिरों के सामने गई बट कोई नहीं मिला. सो वो जो बीच में जो लोग भी मिले थे मुझे, वो भी शायद बोलते ना एक सीढ़ी होती है एक रास्ते तक पहुँचने के लिए, तो वैसे उन अंकल तक पहुँचने के लिए ही ये सफ़र मुझे तय करना पड़ा. और एक शॉर्ट नोट साइड में ऐड करना है. मेरे गुरु कहते हैं कि ये कैसे समझाऊँ, ये हमारी परीक्षा होती है कि आप मतलब अब पता नहीं कैसे समझाऊँ, हमारे कर्म कटते हैं ये सब, जो दान पुण्य, किसी की हेल्प, सेवा, जो भी हम करते हैं ना, इससे हमारे संचित कर्म कटते हैं, जो बुरे कर्म होते हैं बैठे हुए. सो आप जितने आपके संचित कर्म हैं उतनी ज़्यादा मेहनत आपको करनी पड़ेगी ये सारी चीज़ को करने में. मतलब होता है ऐसे कभी कभी कि ईजीली काम नहीं होता, यू हैव टू गिव थोड़ा सा एफर्ट्स. तो मुझे आज वैसे ही लगा कि मतलब शायद मेरे हाथ से ईजीली नहीं होना था ये. आज मुझे मतलब शायद भगवान को देखना था कि मैं किधर तक जाऊंगी, कितना दूर तक जाऊंगी, या फिर उन अंकल के लिए भी हो सकता है, जो भी हो. सो बस ये ऐड करना था मुझे. दैट्स इट. यही था आज का मैसेज. सॉरी मेरी ऐसी गंदी आवाज़ सुननी पड़ी क्योंकि मैं रोते हुए मेरी आवाज़ बहुत कांपती है. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लिसनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग मी. हैव अ वंडरफुल डे.